दोस्तों इमेजिन करो, पैसा कमाने का एक ऐसा मौका जिसमें सिंपल गेम्स जैसे कि रॉक पेपर सीजर जीतने वाले को 10 मिलियन मिलेंगे, लेकिन अगर हार गए तो सारी जिंदगी एक प्रिजन में काम करना पड़ेगा, वो भी बिना सैलरी के। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1996 की एक तूफानी रात दिखाई गई है, जहाँ एक फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म TI का प्रेसिडेंट काजू टाका अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि ऐसी क्या चीज है जो इंसान को अल्टीमेट पावर देती है। सब लोग अपने अपने आंसर्स देते हैं, तो बॉस को एक एम्प्लॉई यूकियो का जवाब पसंद आता है कि अल्टीमेट पावर आपकी तरह फाइनेंशियल मसल बनाने में है और इससे अपना किंगडम बनाना चाहिए, जिसके लिए जापान में ऐसे बहुत से होपलेस लोग हैं जिनसे हम कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर का काम ले सकते हैं। देन कुछ टाइम बाद हम एक लड़के काईजी को देखते हैं। उसकी लाइफ काफी हार्ड थी, वो हर टाइम लॉटरी टिकट्स खरीदता रहता था कि शायद उसकी फूटी किस्मत बदल जाए, मगर आज तक जीता नहीं था। एक दिन जॉब से घर वापस जाते हुए बेबसी से वो एक मर्सिडीज को किक मारता है, तो कुछ बॉडीगार्ड्स उसके पीछे लग जाते हैं, जिनके साथ एक लेडी रिंको भी थी। वो लोग काईजी को बात करने के लिए ऑफिस में ले जाते हैं। रिंको बताती है कि 2 साल पहले काईजी ने दोस्त के लोन कॉन्ट्रैक्ट पर एज अ गारंटियर साइन किए थे। एज अब वो दोस्त गायब हो चुका था, तो लोन के पैसे काईजी को वापस देने होंगे और इंटरेस्ट की वजह से वो लोन 2 मिलियन येन हो चुका था। अब क्योंकि काईजी इतने पैसे नहीं दे सकता था, तो रिंको उसे एक डील ऑफर करती है। वो ये कि गैम्बलिंग शिप पर आज रात गेम खेला जाएगा, अगर काईजी वो गेम जीत गया तो उसका सारा लोन माफ कर दिया जाएगा। इससे काईजी अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब वैसे भी काईजी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सो वो रिंको की डील एक्सेप्ट कर लेता है। शाम को रिंको काईजी की प्रोफाइल कंपनी को देते हुए बोलती है कि उसने अपना कोटा पूरा कर लिया। ये वही काजू टाका की कंपनी थी। रात को काईजी शिप पर जाता है, तो वहाँ उसकी तरह के और भी बहुत से लूजर्स थे। यूकियो होस्ट था जो उन सबको गेम के रूल समझाता है। हर प्लेयर को 3 स्टार्स दिए जाते हैं, हर स्टार की वर्थ 1 मिलियन येन थी और इन पर हर मिनट का 1% इंटरेस्ट भी चार्ज होना था। जीतने वाले को ये स्टार्स मिलेंगे और गेम खेलने के लिए हर प्लेयर को 12 रॉक पेपर सीजर्स के कार्ड दिए जाते हैं। उन्हें अपने लिए ओपोनेंट प्लेयर ढूंढ कर रॉक पेपर सीजर खेलना था। जो भी प्लेयर हारेगा उसे अपना 1 स्टार सामने वाले प्लेयर को देना होगा और 30 मिनट के अंदर सभी कार्ड्स खत्म करने होंगे। जिस भी प्लेयर के पास 3 या उससे ज्यादा स्टार्स हुए वो जीत जाएगा। हारने वाले प्लेयर के साथ क्या होगा ये अभी नहीं बताया जाता। देन यूकियो के वहाँ से जाते ही सब लोग ओपोनेंट प्लेयर ढूंढने लगते हैं। तभी काईजी के पास एक आदमी फनाई आके प्लान बनाता है कि अगर वो दोनों सेम कार्ड्स फेंक कर ड्रॉ कर लें तो उन्हें अपने स्टार्स नहीं देने पड़ेंगे। काईजी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और गेम नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही अपने कार्ड्स खत्म करते जा रहे थे, बट लास्ट मिनट पर फनाई चीटिंग करके काईजी को हरा देता है, जिससे उसके 2 स्टार्स फनाई को मिल गए थे और अब काईजी के पास सिर्फ 1 कार्ड और 1 स्टार बचा था। गुस्से में वो अपना कार्ड फेंक कर फनाई को पंच मार के नीचे गिरा देता है। उसके नाक से खून निकलने लगा था और कुछ ड्रॉप्स काईजी के कार्ड्स पर भी गिर जाते हैं। देन गार्ड्स आकर दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। और यही नहीं, अब फनाई सबको बता देता है कि काईजी का लास्ट कार्ड सीजर्स का है, सो कोई भी उसे इजीली हरा सकता है। जिस पर काईजी भी बोल देता है कि फनाई का लास्ट कार्ड ड्रॉप का है। बाकी सबको लगता है कि शायद ये इन लोगों का कोई ट्रिक है। तभी गार्ड्स एक आदमी इशिदा को लेकर आते हैं, जो कि अपने कार्ड्स फ्लश करके गेम खत्म करना चाह रहा था, मगर बदकिस्मती से पकड़ा गया था। गेम टाइम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे कि तभी फनाई सबको आइडिया देता है कि हमें अपने कार्ड्स रीशफल करने चाहिए। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कौन सा कार्ड है। सब लोग अपने कार्ड्स फनाई को दे देते हैं, काईजी भी, क्योंकि उसके पास एक प्लान था। फनाई शफल के बाद भी काईजी को वही ब्लड स्टेन वाला कार्ड ही वापस करता है, जिस पर काईजी इशिदा को साथ में लाकर फनाई को हराने का डिसाइड करता है। फनाई को लगता है कि वो जीत जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि काईजी के पास कौन सा कार्ड है, मगर काईजी उसे आसानी से हरा देता है, क्योंकि उसने इशिदा के कार्ड पर ब्लड मार्क लगा के अपना कार्ड उससे एक्सचेंज कर लिया था। एंड जीतने के बाद वो और इशिदा फनाई के स्टार्स को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने सब कार्ड्स को ड्रॉ करके बॉक्स में डाल देते हैं, मतलब वो दोनों ही जीत चुके थे। इस खुशी को सेलिब्रेट करते हुए गेम का टाइम भी खत्म हो जाता है, मगर तभी इशिदा को अपनी पॉकेट में से एक कार्ड मिलता है जिसके बारे में शायद वो भूल चुका था। गार्ड्स इशिदा को ले जाने लगते हैं, तो काईजी बोलता है कि हम दोनों ने टीम अप किया था, इसलिए हार में भी मैं इशिदा के साथ हूँ। सो उन दोनों को ही अंडरग्राउंड ले जाया जाता है, जहाँ उनके अंदर माइक्रोचिप इंस्टॉल करके बाजू पर कंपनी की स्टैंप एम्बेड की जाती है और फिर सभी लूजर्स को काजू टाका के अंडरग्राउंड किंगडम की कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर के काम में लगा दिया जाता है, जहाँ वर्किंग कंडीशंस बहुत हार्ड थी। उन्हें कई घंटों काम करना पड़ता था बिना ब्रेक के, खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता था और सबको छोटी सी जगह पर एक साथ सोना पड़ता था।
उनकी पे बहुत ही कम थी जो कि यहाँ की लोकल करेंसी पेरिका में थी। अगर कैजी की सैलरी को येन में काउंट किया जाए तो 350 येन्स पर डे बनती थी। काजी इसको सेव करने का प्लान करता है ताकि अपना कर्ज चुका सके, मगर जल्द ही मैनेजर एक कार्ट लेकर आ जाता है जिसमें बियर और मजे मजे की खाने की चीजें थी। काजी ना चाहते हुए भी अपनी सारी कमाई इन चीजों में उड़ा देता है। सब वर्कर्स ही ऐसा करते हैं, और असल में ये कंपनी का प्लान था कि इस तरह वो सालों तक फ्री में काम कराते रहेंगे। अगले दिन उनके काम की जगह पर अर्थक्वेक आ जाता है जिससे इशिदा को चोट लग गई थी। काजी उसे वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में लेकर जाता है तो पता चलता है कि वहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे। बहुत से लोग पहले ही पैसे ना होने की वजह से वहाँ बीमार पड़े थे। उधर काजी को एक आदमी मोकोटो मिलता है जो बताता है कि ये सिस्टम बनाया ही उन्हें हराने के लिए गया है, इससे वो लोग कभी निकल नहीं सकते। ये सब सुनकर काजी की हर उम्मीद खत्म होने लगती है, बट डॉक्टर बताता है कि एक और गेम है ब्रेव मैन रोड जिसके लिए जल्द ही कंपनी वाले प्लेयर्स चूज करने आएंगे। अगली बार जब स्नैक कार्ट आती है तो काजी अपने साथियों से होश में आने के लिए कहता है और बोलता है कि ये फोरमैन हमें ट्रिक कर रहा है। तभी अचानक कुछ कार्ड सहारा को लेने आ जाते हैं क्योंकि उसे ब्रेव मैन रोड गेम के लिए चुना गया था। ये बहुत ही खतरनाक गेम थी जिसमें जीतने पर आजादी और हारने पर मौत मिलनी थी। काजी और इशिदा भी गेम के लिए तैयार हो जाते हैं, सो उन सबको आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड और हाथ बांधकर वहां से ले जाया जाता है। और जब उनकी आंखों से पट्टी उतारी जाती है तो वो सब एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग की छत पर थे, और एज यूजुअल वहां यूकियो भी था उन्हें गेम के रूल्स बताने के लिए। हर प्लेयर को 10 मिलियन येन का वाउचर दिया जाता है जिसे कैश कराने के लिए उन्हें ब्रेव मैन रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ होटल में जाना था। ये रोड सिर्फ 2 तंग से बीम से बनाई गई थी। वो लोग इस पर से क्रॉल करते हुए भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनमें करंट था और हाथ लगाने पर जोरदार बिजली का झटका लगेगा। दूसरी बिल्डिंग में बैठे कुछ VIP सोशल लोगों को इस गेम की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जा रही थी एज एंटरटेनमेंट। ये सब देखकर सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर जब काजी खेलने के लिए तैयार होता है तो बाकी सब में भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है। यूकियो वापस होटल चला जाता है जहां वो और रिंको उन VIPs को होस्ट कर रहे थे। मीनवाइल काजी सब प्लेयर्स के शूज पर स्ट्रेट लाइन बना देता है ताकि वो लोग इसकी मदद से खुद को बीम पर सीधा रख सकें। उसके बाद सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। काजी अचानक से स्लिप होने लगा था, मगर वो अपना बैलेंस रिकवर कर लेता है। बट तभी जोरदार बिजली कड़कती है, मतलब तूफान आने वाला था। सब लोग नर्वस हो जाते हैं और एक लड़का स्लिप होके नीचे गिर जाता है जिससे बाकी सबकी हिम्मत फिर से गिर जाती है और एक एक करके सब लोग गिरने लगते हैं, जिसके बाद अब सिर्फ काजी, सहारा और इशिदा ही बचे थे। उधर सब लोग प्लेयर्स के गिरने को सेलिब्रेट कर रहे थे जो रिंको को काफी बुरा लगता है। अब तेज बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी और इशिदा की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो काजी को अपना वॉचर देकर बोलता है कि इसे कैश करा के पैसे मेरी बेटी को भेज देना। एंड देन वो अपनी बॉडी को खामोशी से नीचे गिरा देता है ताकि उसके फ्रेंड्स पैनिक ना करें। एट लास्ट सहारा और काजी बीम क्रॉस करके होटल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तभी काजी नोटिस करता है कि काजुटाका ऊपर खिड़की में से उन्हें देख रहा है, मतलब अभी भी शायद कुछ होना बाकी था। एंड देन जब सहारा दरवाजा खोलता है तो अंदर और बाहर के डिफरेंट एयर प्रेशर की वजह से वो नीचे गिर के मर जाता है। काजी भी स्लिप हुआ था, मगर वो किसी तरह वापस ऊपर आ जाता है। अंदर जाने पर सब उसके लिए क्लैप करते हैं क्योंकि इस गेम में जीतने वाला वो आज तक का पहला इंसान था। काजुटाका काजी को कांग्रेट्स करता है, साथ ही वो यूकियो को अपने किंगडम में सिटीजनशिप भी देता है क्योंकि उसने उन्हें इतना अच्छा शो दिखाया। उसके बाद काजी उनसे पैसे देने को कहता है तो उसे पता चलता है कि इशिदा का वाउचर इनवैलिड हो चुका था उसके मरने से, और काजी के पैसों में से भी वो लोग कर्ज की रकम काट लेते हैं। सो एट लास्ट उसके पास अब सिर्फ 750,000 येन बचे थे। अब वो इशिदा की बेटी को पैसे कैसे बेचेगा ये सोचकर काजी यूकियो को पंच मारने की कोशिश करता है, मगर गार्ड उसे रोक देते हैं। काजुटाका उसके एटीट्यूड से काफी इम्प्रेस हुआ था, तो वो उसे एक और गेम खेलने का चांस देता है, और इस गेम का नाम था ई कार्ड्स। और अब की बार यूकियो खुद उसका ओपोनेंट प्लेयर था। दोनों प्लेयर्स को 5 कार्ड्स का एक सेट चूज करना था। कार्ड के टोटल 2 सेट थे। एक सेट में 4 सिटीजन्स और एक एम्परर का कार्ड था, और दूसरे सेट में 4 सिटीजन और एक स्लेव का कार्ड। जिस प्लेयर के पास स्लेव वाला सेट होगा वो पहली मूव खेलेगा, अगर दोनों के सिटीजन हुए तो ड्रॉ हो जाएगा। स्लेव वाले कार्ड को सिटीजन हराएगा, और सिटीजन वाले कार्ड को एम्परर हरा सकता है, और इसी तरह स्लेव एम्परर को। अब काजी को चूज करना था कि वो कौन सा सेट लेगा, और अगर स्लेव सेट वाला प्लेयर जीतेगा तो उसे बेट से 10 गुना ज्यादा पैसे दिए जाएंगे।
ज्यादा पैसों की लालच में काजी राजू बन जाता है। पैसा ही पैसा होगा। और वो स्लेव वाला सेट चुनता है, मगर वो ये भूल चुका था कि इस तरह युकियो के उसे हराने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिटीजंस भी स्लेव को बीट कर सकते थे। ये मैच अंडरग्राउंड लेबर्स को टीवी पर भी दिखाया जा रहा था। स्टार्ट में काजी दो बार सिटीजंस चलता है, जिससे वो ड्रॉ हो गए थे, मगर जब वो स्लेव चलता है तो युकियो उसे हरा देता है। गेम काफी जल्दी खत्म हो गया था तो कातुटाका काजी को कुछ पैसे उधार देता है ताकि वो एक बार फिर दोबारा खेले। अब की बार काजी नोटिस करता है कि युकियो ना तो अपने कार्ड्स को देख रहा है और ना ही उसकी तरफ, जो कि काफी अजीब था। सो वो एज अ सरप्राइज डिटेक्टिव स्लेव का कार्ड चलता है, मगर युकियो को पता चल जाता है और वो सिटीजन के कार्ड से उसे हरा देता है। गार्ड्स काजी को लेने आते हैं तो वो नोटिस करता है कि युकियो ने एक डिफरेंट वॉच पहन रखी है, एंड वो सोचने लगता है कि आखिर युकियो ने ये गेम कैसे जीता, और उसे समझ आती है कि ये सब उसकी माइक्रोचिप की वजह से हुआ है। युकियो उस वॉच के थ्रू काजी के वाइटल्स देख रहा था, जिससे उसे समझ आ जाती थी कि काजी कब डिफिकल्ट कार्ड चलेगा। ये सब जानकर काजी काफी डिसअपॉइंट होता है, बट तभी उसके माइंड में एक प्लान आता है। वो बाथरूम जाने का कहकर रिंको को वहां बुलाता है और उसे प्लान बताकर 50 मिलियन येन उधार देने को कहता है, ताकि एक बार फिर से खेल सके, जिस पर रिंको एग्री करके उसे गेम रूम में वापस ले जाती है, जहां काजुटाका काजी के सरप्राइज से बहुत खुश हुआ था, और वो युकियो को दोबारा खेलने का ऑर्डर देता है। गेम स्टार्ट करने से पहले काजी अपना सर मिरर में मार के जख्मी कर लेता है, ताकि उसके वाइटल्स युकियो की वॉच पर क्रेजी नंबर्स शो करें। उसके बाद टेबल पर आके वो तीन कार्ड उठाकर छुपा लेता है, एंड फिर एक कार्ड को बदल देता है युकियो से छुप के। टेबल पर रखे कार्ड पर उसके ब्लड ड्रॉप्स भी लग चुके थे। गेम स्टार्ट होती है और पहली बार युकियो नर्वस हो रहा था, क्योंकि अब वो वॉच पर विश्वास नहीं कर सकता था। पहले राउंड में कार्ड्स ड्रॉ हो जाते हैं। अगले राउंड में काजी ब्लड स्टेन वाला कार्ड खेलता है। युकियो को याद आता है कि ब्लड स्टेन वाले कार्ड स्लेव और सिटीजन थे, सो वो सिटीजन चलता है, जो कि अगेन ड्रॉ हो गया था। युकियो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि काजी का अगला ब्लड स्टेन वाला कार्ड स्लेव होगा। एक और सिटीजन ड्रॉ के बाद काजी ब्लड स्टेन वाला कार्ड खेलता है। युकियो को लगता है कि पहले की तरह काजी ने दोबारा ट्रिक करके दूसरे कार्ड पर ब्लड स्टेन लगा दिया होगा, सो वो एम्परर का कार्ड चलता है, मगर काजी ने स्लेव का कार्ड खेला था, सो वो जीत जाता है। अंडरग्राउंड वर्कर्स भी काजी की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। काजी युकियो को बताता है कि उसने कार्ड स्वैप करने का सिर्फ प्रिटेंड किया था, असल में कार्ड स्वैप नहीं किए थे। काजुटाका युकियो पर गुस्सा करता है कि उसने उसके इतने सारे पैसे हरा दिए, और वो उसकी सिटीजनशिप भी वापस लेकर अंडरग्राउंड काम के लिए भेज देता है। अगले दिन रिंको और काजी मनी डिवाइड करके सेलिब्रेट करते हैं, मगर अचानक काजी बेहोश हो जाता है, क्योंकि रिंको ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। होश में आने पर वो देखता है कि रिंको सारे पैसे ले गई। उसने काजी के लिए एक लेटर भी छोड़ा था। अब लास्ट में उसके पास सिर्फ 450,000 येन बचे थे। उधर रिंको कंपनी कार्ड फेंक कर अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रही थी। लेटर ऑन इशिदा की बेटी को एनवेलप मिलता है, जिसमें 450,000 येन थे और उसके डैड का वाउचर भी, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।